गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यशु सैनी BSc सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे FET के बारे में। FET का ऑपरेशन हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज की क्लास में हम इसकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में। किसके? FET के, ठीक है। FET में भी कौन सा? JFET, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र। आउटपुट करैक्टरिस्टिक, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि आउटपुट करैक्टरिस्टिक देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम FET का क्या बना लेते हैं, जो कल प्रायोगिक सर्किट देखा था ना, प्रायोगिक परिपथ देखा था ना, वो बना लेते हैं हम, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, ये FET का क्या है, प्रतीक है। कौन सा FET लिया था हमने? N चैनल। और ये FET भी कौन सा है? JFET है, ठीक है। तो ये उसका क्या होता है, सिंबल होता है। इसमें तीन टर्मिनल बताए थे, D ऊपर होता है, S नीचे होता है, और यहाँ पर होता है कौन सा टर्मिनल? गेट टर्मिनल, ठीक है। यहाँ हमने प्रैक्टिकल परिपथ में यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ नेगेटिव, और नीचे क्या पॉजिटिव था, प्लस माइनस। ये VGG है, ये बैटरी है 20-25 वोल्ट जितने की भी हो। इस तार को हमने यहाँ से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये जो S है ना, इसको हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे 15 वोल्ट है, अब यहाँ से इस परिपथ के द्वारा, बहुत बताया ट्रांजिस्टर में, यहाँ जो वोल्ट आएगी ना वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट। तो जी और एस के बीच में कितनी वोल्ट आएगी इन टर्मिनलों पर, यहाँ कितनी जाएगी, उसको हम एक वोल्ट मीटर की हेल्प से नाप लेते हैं। क्या है? VGS है। कल कर चुके हैं सर्किट के बारे में डिस्कस, ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। फिर इसके बाद यहाँ एक मैं मिली एम्पियर का एमीटर लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ फिर वही प्रायोगिक परिपथ लगा देता हूँ, यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी प्लस माइनस VDD बैटरी है। तो कितना वोल्ट यहाँ पर आएगा, कहाँ पर? D पर और S के बीच में, यहाँ कितनी वोल्ट आएगी, उसके लिए हमने क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है। ये कौन सी वोल्ट नापता है? VDS, D टर्मिनल और S टर्मिनल के बीच में कितनी वोल्ट आ रही है, मतलब यहाँ 2 वोल्ट आया 1 वोल्ट आया, वो VDS है। G और S के बीच में जो वोल्ट आ रही है, 1 वोल्ट आ रही है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये VGS होता है, ठीक है। तो VGS निवेशी वोल्टता होती है, इनपुट वोल्टेज होती है, और VDS जो होती है ना वो निर्गत वोल्टता होती है, आउटपुट वोल्टेज होती है। D और S के बीच में जो वोल्टता होती है वो निर्गत वोल्टता, और G और S के बीच में वोल्टता होती है वो निवेशी वोल्टता। G और S के बीच में वोल्टता कितनी आरोपित करनी है वो यहाँ से चेंज करते हैं, 1 वोल्ट चाहिए यहाँ से चेंज कर दो, 2 वोल्ट चाहिए यहाँ से। तो जी और एस के बीच में कितनी भी वोल्टता आरोपित कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ से इस परिपथ के द्वारा डी और एस के बीच में कितनी वोल्टता आरोपित करनी है वो कर सकते हैं। ये इसका कौन सा सर्किट होता है हमारे पास? प्रैक्टिकली सर्किट होता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में, ठीक है। ये कैसे खींचा जाता है? निर्गम अभिलाक्षणिक जो वक्र होता है ना वो कैसे खींचा जाता है वो ही हम देखते हैं। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो निवेशी वोल्टता होती है, निवेशी वोल्टता, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, VGS, निवेशी वोल्टता, कौन सी? VGS। इसको स्थिर रखकर, को
स्थिर रख कर, ठीक है, निर्गम धारा यानी आउटपुट करंट, आउटपुट करंट कहाँ होती है, इस साइड, यहाँ जो करंट होगी ना वो आईडी धारा होगी, डी पर जो धारा मिलती है आईडी धारा, ये निवेशी साइड और ये निर्गत साइड। निवेशी वोल्टता वीजीएस को स्थिर रखकर निर्गम धारा आईडी व निर्गम वोल्टता कौन सी है, देखो डी और एस के बीच में वी डी एस, निर्गम वोल्टता वी डी एस के मध्य खींचे गए वक्र ठीक है क्या कहलाते हैं हमारे पास, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं, ठीक है। निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र क्या होगा, कैसे खींचा जाएगा, फिर सुन लो, जो हमारे पास निवेशी वोल्टता है या गेट बायस वोल्टता होती है ना, उसको तो आपको स्थिर रखना है, VGS को स्थिर रखना है, और ID निर्गत धारा ID और निर्गत वोल्टता VDS के मध्य जो हम ग्राफ खींचेंगे, वक्र खींचेंगे ना, वो क्या कहलाता है हमारे पास, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, ठीक है। तो देखो ये वक्र किस तरीके का आता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, पहले तो किस किस के बीच में वक्र खींचेंगे हम ये समझते हैं। ये देखो धारा आईडी के बीच में, ठीक है, और वोल्टता वीडीएस के बीच में खींचते हैं, धारा आईडी और वोल्टता वीडीएस। वीडीएस का मान सपोज करो यहाँ पर 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट तक, 25 वोल्ट तक ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, VGS का मान यहाँ इस परिपथ की सहायता से यहाँ वोल्टता आरोपित करी, कहाँ पर, Z और S के बीच में, यहाँ वोल्टता मैंने दी VGS, ठीक है। ये पश्च बायस में जुड़ा होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, तो नेगेटिव वोल्टता है, देखो ऊपर नेगेटिव है ना, इसका मान मैं सबसे पहले ले लेता हूँ, कितना रखा मैंने, -5 वोल्ट। VGS का मान मैंने यहाँ से सेट कर दिया कितना, -5 वोल्ट। जैसे ही मैंने -5 वोल्ट सेट किया तो मैंने क्या देखा कि पहले तो करंट क्या हुई बढ़ी, VDS का मान यहाँ से चेंज करूँगा, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट लगातार बढ़ाऊँगा यहाँ से, फिर D और S के बीच में वोल्ट मीटर में 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे, तो यहाँ धारा मिलेगी क्या, ID। तो ये धारा पहले तो क्या होती है, बढ़ती है, फिर उसके बाद ये क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, उसके बाद लगभग क्या रहती है, कॉन्स्टेंट, फिर अचानक से इसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये कौन सी स्थिति है, जब VGS की वैल्यू कितनी रखी थी मैंने, 5 वोल्ट रखी है, क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, VGS की वैल्यू घटा दी, -3 वोल्ट रख दी, यहाँ से सेट कर दिया, इसमें कितना आया, -3 वोल्ट आया, तो उस स्थिति में यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, VDS चेंज करेंगे और ID और VDS के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो देखो क्या होगा, VDS की वैल्यू यहाँ से बढ़ाते जाएंगे यहाँ से, तो करंट भी चेंज होगी, करंट क्या मिलेगी हमें, पहले तो बढ़ेगी, फिर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सपोज कीजिए VGS कितने पर मिला, -3 वोल्ट पर, फिर मैंने सपोज कीजिए VGS की वैल्यू कितनी रखती, -1 वोल्ट, जैसे ही -1 वोल्ट रखी यहाँ से ऐसे सेट कर देंगे, यहाँ आ जाएगी -1 वोल्ट,
यहाँ से VDS का मान चेंज करते गए 0 वोल्ट से, तो पहले तो धारा क्या हो गई, बढ़ गई, फिर क्या रही, कांस्टेंट रही, और फिर अचानक से एकदम से बढ़ गई। कुछ समय तक कांस्टेंट रहती, पहले तो बढ़ती है, फिर कांस्टेंट रहती है, स्थिर सी रहती है, और एकदम से अचानक से फिर क्या होती है, बढ़ती है। ये क्या है, VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट होती है। फिर इसके बाद हमने VGS का मान कितना रखा, 0 वोल्ट धरा। जैसे ही 0 वोल्ट धरते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, VDS का मान यानी D और S के बीच में वोल्ट था, 0, 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ाते हैं। तो इसमें भी देखो, पहले तो धारा और ज़्यादा पहले इंक्रीज होती है, फिर स्थिर रहती है, और फिर लास्ट में अचानक से एकदम से बढ़ जाती है। VGS कितना होता है इस स्थिति में, 0 वोल्ट। इस तरीके का वक्र मिलता है हमें VGS के अलग अलग मानों पर। ये क्या कहलाता है हमारे पास, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, एम्पियर धारा है ना, क्या कहलाता है ये, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, आउटपुट करैक्टरिस्टिक कहलाती है। क्लियर है हमारे पास। इसमें मैं एक रेखा खींच देता हूँ, ये रेखा जो है VP को व्यक्त करती है। VP जो होती है ना हमारे पास, वो VP जो होती है वो पिंच ऑफ वोल्टेज होती है, है ना। यानी कि इसके बाद ये रेखिक आ रहा है ग्राफ, जिस वोल्टता के बाद ग्राफ क्या आ रहा है, रेखिक आता है, ठीक है। तो निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र को हम देखो, सबसे पहले ग्राफ होता था सरल रेखा, फिर स्थिर, और फिर एकदम से बढ़ जाता था। तो इसमें 3 क्षेत्र मिल रहे हैं, कोई भी किसी भी स्थिति देखो, देखो पहले तो क्या हो रहा था, ऐसे सरल रेखा सी आ रही थी, फिर उसके बाद क्या रहा, ये कांस्टेंट रहा, फिर अचानक क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहली कंडीशन ये है, दूसरा ये स्थिर वाला है, और तीसरा ये एकदम से बढ़ता है। 3 क्षेत्र मिलते हैं हमारे पास इसमें, कितने क्षेत्र मिलते हैं, 3 क्षेत्र मिलते हैं। इन तीनों क्षेत्रों को हमें क्या करना होता है, समझाना होता है, ठीक है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो इन 3 क्षेत्रों को, निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र में इन 3 क्षेत्रों को हम कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रतिरोधक, प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र। ये क्या होता है, प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र, जब VDS का मान क्या होता है, कम होता है, देखो ज़्यादा नहीं, कम, 5 वोल्ट से कम कम, जब VDS का मान कम होता है ना, तो इस स्थिति में जो वक्र आता है ना हमारे पास, वो ये सरल रेखा आती है। क्या आती है हमारे पास, सरल रेखा आती है। VGS का कोई भी मान हो, उस पर ये क्या आती है, सरल रेखा। ये देखो, अगर VGS इज इक्वल टू -3 वोल्ट हो तो क्या रही है, सरल रेखा आ रही है। कम मानों पर, जब VDS का मान क्या हो, बहुत कम हो, बाद में बढ़ जाते हैं जब, तो सब में देखो सरल रेखा बन रही है। तो जब VDS का मान बहुत कम होता है ना, VDS और ID, इनमें जो ग्राफ आता है वो सरल रेखा आता है। यानी ID और VDS क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे को। और आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V समानुपाती I, जब V और I समानुपाती होते हैं ना, तो वो किसको डिनोट करेगा, फिर प्रतिरोध को, ठीक है, किसको, प्रतिरोध को। तो प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र क्या होता है, यह क्षेत्र VDS के कम मानों के लिए, VDS के कम मानों के लिए प्राप्त होता है, ठीक है। यह क्षेत्र VDS के कम मानों के लिए प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में, इस
क्षेत्र में धारा आईडी, इस क्षेत्र में धारा आईडी VDS के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो धारा आईडी है वो VDS के समानुपाती होती है। तो इस अवस्था में चैनल जो होता है ना वो प्रतिरोधक की तरह कार्य करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये V और I का ग्राफ, प्रतिरोध को। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्थिति है। इस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं हम इसे? रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। सेकंड जो इसमें क्षेत्र आता है ना हमारे पास, वो आता है संतृप्त क्षेत्र। सेकंड जो हमारे पास इसमें क्षेत्र मिलता है ना, वो होता है हमारे पास कौन सा? संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र इसमें कौन सा होता है? देखो, जब हम VDS का मान बढ़ाए जा रहे हैं, धारा क्या रहती है? लगभग नियत रहती है हर स्थिति में। देखो, धारा क्या है हमारे पास? नियत है। धारा क्या है? नियत है। तो ये दूसरा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? सैचुरेशन रीजन, संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। इस कंडीशन में जो करंट होती है ना, वो VDS पर निर्भर नहीं कर रही है। VDS का मान हम बढ़ाए जा रहे हैं, धारा हमेशा क्या रह रही है? नियत ही रह रही है। देखो, कांस्टेंट ही रह रही है। धारा क्या है? कांस्टेंट ही है। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है हमारे पास? संतृप्त क्षेत्र। यानी संतृप्त क्षेत्र में, सैचुरेशन रीजन में, धारा जो होती है ना वो किस पर निर्भर नहीं करती है? VDS पर निर्भर नहीं करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र में निर्गत धारा आईडी तो है ही है। आईडी तो, आईडी का मान पहले बड़ा, फिर कांस्टेंट, फिर एकदम से बड़ा। निर्गत धारा क्या? आईडी। ठीक है, इस क्षेत्र में निर्गत धारा जो आईडी है वो लगभग क्या रहती है? स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। सैचुरेशन रीजन में, प्रतिरोधक रेजिस्टेंस और लीनियर रीजन में, ये प्रतिरोधक और रेखीय क्षेत्र, और ये कौन सा है? सैचुरेशन रीजन यानी संतृप्त क्षेत्र। यानी निर्गत धारा आईडी लगभग क्या रहेगी इसमें? कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, और इस क्षेत्र में VDS पर निर्भर नहीं करती है, मतलब बढ़ी नहीं रही। VDS का मान बढ़ रहा है, धारा कांस्टेंट रह रही है। देखो, ठीक है, इस क्षेत्र में VDS पर धारा निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारे पास? ध्यान से सुनना कि रेखीय क्षेत्र है। रेखीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पहले धारा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। जब VGS का मान -3 वोल्ट, देखो यहाँ से धारा का मान क्या हो गया? यहाँ तक बढ़ा। बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या रहा? नियत रहा। ठीक है, आई बात समझ? पहले तो क्या हुआ? सरल रेखा में बढ़ा, और उसके बाद फिर वो क्या रह गया? स्थिर हो गया। तो पहले तो ये रेखीय क्षेत्र था, और इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर ये कौन सा क्षेत्र आ गया? संतृप्त क्षेत्र। संतृप्त क्षेत्र यहाँ से शुरू हो रहा है और रेखीय क्षेत्र यहाँ तक है। है या नहीं है? बिल्कुल है। तो देखो क्या परिभाषा होती है रेखीय क्षेत्र। ये एरिया, ये सरल रेखा में बड़ा, रेखीय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र। यहाँ से कौन सा क्षेत्र स्टार्ट हो गया? संतृप्त क्षेत्र, इस पॉइंट से, और यहाँ से यहाँ तक रेखीय क्षेत्र। ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, रेखीय क्षेत्र और संतृप्त क्षेत्र की
सीमा पर VDS, इस पर कुछ ना कुछ वोल्टता होगी या नहीं होगी, यहाँ पर जैसे 3 वोल्ट 2 वोल्ट कुछ भी होगी, जहाँ पर यहाँ से यहाँ रेखीय हुआ उसके बाद ये संतृप्त हो गया, तो ये पॉइंट जिस पर मान लो 3 वोल्ट है VDS का मान, सीमा पर VDS का वह मान, VDS का वह मान, कुछ ना कुछ मान होगा ना VDS का, VDS का वह मान जिसके पश्चात धारा ID में वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। देखो पहले तो बड़ी धारा और फिर बढ़ नहीं रही, फिर वो नियत रह रही है, तो जिस मान पर ये ऐसा होता है ना, वृद्धि नहीं होती है ना धारा, ठीक है, वृद्धि रुक जाती है और धारा नियत रहती है, और धारा क्या हो जाती है, नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है, वह मान क्या कहलाता है हमारे पास, संकुचन वोल्टता कहलाती है। रेखीय क्षेत्र संतृप्त क्षेत्र की सीमा पर VDS का वह मान जिसके पश्चात धारा ID में वृद्धि रुक जाती है, क्या हो जाती है, नियत हो जाती है धारा, वह क्या कहलाती है हमारे पास, संकुचन वोल्टता, पिंच ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं इसे, संकुचन वोल्टता कहलाती है। ठीक है, तो इस वोल्टता के बाद धारा आगे नहीं बढ़ रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही, क्या रह गई है, कांस्टेंट हो गई है। ऐसे यहाँ इसके लिए संकुचन वोल्टता ये होगी, सारी कंडीशन में अलग अलग होगी हमारे पास संकुचन वोल्टता, इसके लिए ये जब VGS माइनस वोल्ट है इसके लिए संकुचन वोल्टता ये होगी, पहले बढ़ रही है फिर उसके बाद वो नहीं बढ़ रही, क्या रह गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो ये 2 क्षेत्र हो गए हमारे पास, एक तो हो गया हमारे पास कौन सा, प्रतिरोधक या रेखीय क्षेत्र, ये रेखीय क्षेत्र, ये दूसरा संतृप्त क्षेत्र, अब तीसरा आता है हमारे पास इसमें कौन सा, भंजन क्षेत्र, जिसे हम ब्रेक डाउन रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास क्षेत्र आता है ना वो क्या कहलाता है हमारे पास, भंजन या भंजक क्षेत्र, ब्रेक डाउन रीजन भी बोलते हैं इसे। देखो ये क्या होता है, FET में VDS का मान हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, धारा स्थिर है, एक वोल्टता ऐसे आएगी जिस पर धारा का मान फिर अचानक से क्या होगा, बढ़ेगा, धारा का मान क्या होगा, अचानक से बढ़ेगा, तो ये हमारे पास कौन सा क्षेत्र कहलाता है, जब धारा का मान अचानक बढ़ता है, भंजक क्षेत्र कहलाता है। और VDS का जो मान होता है ना, जैसे ये 22 वोल्ट पे हुआ, वो वोल्टता कौन सी वोल्टता कहलाती है, भंजन वोल्टता कहलाती है। ठीक है, देखो जब VDS, ठीक है, जब VDS का मान बढ़ाया जाता है, जब VDS का मान क्या किया जाता है, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो धारा है ना, ठीक है, उसमें क्या होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है, कि धारा में अत्यधिक क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र जिसमें धारा अचानक क्या हो रही है, बढ़ रही है, वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि होती है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, भंजन क्षेत्र कहते हैं, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, भंजन क्षेत्र। और जिस वोल्टता पर ये आती है ना हमारे पास, उसे बोलते हैं भंजक वोल्टता, जिस वोल्टता पर धारा
में अत्यधिक वृद्धि होती है, धारा में अत्यधिक वृद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? भंजक वोल्टता कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? भंजक वोल्टता कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया हमारे पास? भंजक क्षेत्र हो गया। क्लियर है ये? इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बेसिक सी टर्म्स थी जो हमने समझा दी। इसके बाद हम बात करते हैं अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। एक तो हमने पढ़ा था निर्गम अभिलाक्षणिक वक्र, और एक पढ़ रहे हैं अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? जो निर्गत वोल्टता होती है ना, निर्गत वोल्टता क्या होती है? VDS। ठीक है, निर्गत वोल्टता VDS को स्थिर रखकर, ठीक है, निर्गत वोल्टता VDS को स्थिर रखकर संतृप्त क्षेत्र में, ये बात ध्यान रखना, हम ये जो ग्राफ खींच रहे हैं ना यहाँ पर, वो संतृप्त क्षेत्र के लिए खींच रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए। ठीक है, निर्गत वोल्टता VDS को स्थिर रखकर जो निर्गम धारा है, निर्गम धारा क्या है? ID है, लेकिन मैं इसमें S लगा देता हूँ। ये धारा कौन से क्षेत्र के लिए है? संतृप्त क्षेत्र के लिए है। निर्गत वोल्टता VDS को स्थिर रखकर जो निर्गम धारा IDS है, वह VGS, निवेशी वोल्टता VGS के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ठीक है, किस किस के बीच में खींचा जाएगा? IDS व VGS। ये समझ जाना, S क्यों लगाया इसके आगे? संतृप्त क्षेत्र की धारा के बीच में। अब इस ग्राफ को हम क्या करते हैं? खींचते हैं। देखो, यहाँ पर तो मैंने ले लिया क्या? ID, है ना, IDS, और यहाँ हमने ले लिया क्या? VGS। एक बात ध्यान रखना, मैंने इधर की तरफ क्यों बनाया? क्योंकि VGS कैसी वोल्टता पर आरोपित की थी हमने? नेगेटिव, जीरो, जीरो के बाद हमारे पास एक, तो ये किस में चल रही है हमारे पास? नेगेटिव में, -1, -2, -3, -4, -5, तो ये VGS का क्या है? मान है। अब क्या है, मान लो ये संतृप्त धारा का मान क्या है? नियत है या नहीं है? मैंने ये मान लिया, इसका मान कितना है? IDSS है। कितने वोल्ट पर? जब VGS का मान कितना है? जीरो वोल्ट है, तो ये जो धारा है ना, मान लो यहाँ से VGS का मान कितना सेट कर दो? जीरो वोल्ट कर दिया। तो ये जो धारा होगी ना, ये संतृप्त धारा, उसकी वैल्यू मैंने कितनी मान ली? IDSS मान ली। कितनी मान ली? IDSS मान ली। मैंने यहाँ से सेट कर दिया निर्गत वोल्टता VDS को स्थिर। यहाँ से VDS की वोल्टता कितनी रखी मैंने? इस परिपथ की सहायता से मैंने सेट कर दिया कि जो VDS है ना, वो हमारे पास फिक्स कर दिया मैंने 15 वोल्ट। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से VGS को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, VGS का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, पहले तो जीरो वोल्ट पर, जीरो वोल्ट पर देखो धारा क्या है? अधिकतम है।
फिर उसके बाद -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट और ऐसे धारा का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। जब VGS का मान किस में जा रहा है, ऋणात्मक में जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अवक्षय परत का मान बढ़ जाता है। प्रीवियस क्लास में नेगेटिव वोल्ट था, इसको क्या कर रहा है, पश्च बायस करता है, रिवर्स बायस करता है। इसलिए जब हम VGS का मान ऋणात्मक में बढ़ाते हैं ना, तो धारा जो होती है वो क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। संतृप्त क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मान लो धारा का मान यहाँ पर कितना है, IDSS, तो ये धारा क्या हो गई, VGS के मान को देखते दे लगातार घटती चली गई। ठीक है, तो इस संबंध को हम एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इक्वेशन क्या होती है, IDS इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 VGS अपॉन VP का क्या होल स्क्वायर होती है। VP क्या होती है हमारे पास, संकुचन वोल्टता। तो ये संबंध आता है हमारे पास, ये संबंध आता है किस में, अंतरण अभिलाक्षण। IDS क्या है, धारा। IDSS क्या है, अधिकतम धारा। VGS वोल्टता, VP संकुचन वोल्टता। तो जब VGS का मान ऋणात्मक में बढ़ाते हैं ना, तो जो अधिकतम धारा होती है IDSS मतलब VGS बराबर 0 पर अधिकतम धारा। फिर ये धारा क्या हो गई, घटती जाएगी और लास्ट में जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक संबंध होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।